हेलो, मैं नीरज। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप सबसे डीप क्लस्टरिंग पर डिस्कशन करूंगा। एक्चुअल में डीप क्लस्टरिंग एक सेल्फ सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। सेल्फ सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम इस सेंस में कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जनरली ये कॉमन फॉर्मेट है सेल्फ सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स का जो डीप लर्निंग में यूज होता है। हम लोग एक डीप लर्निंग के छोटे से नेटवर्क के थ्रू पहले तो एक फिक्स्ड साइज का फीचर वेक्टर जनरेट करते हैं, उसके बाद उसमें अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम लगा के क्लस्टरिंग करना है, कुछ भी करना है अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम लगा के लेवल जनरेट करते हैं। उसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है स्टार्टिंग में। उसको हम मानते हैं कि भाई वही हमारा लेवल डेटा है, और फिर उसको यूज करके हम डीप लर्निंग को वापस ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने से क्या होता है, जो बैक प्रोपेगेशन चलता है उसका पैरामीटर्स अपडेट होता है, उसका न्यूरॉन्स के वेट अपडेट होते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम जब सेम डेटा को फिर उस नेटवर्क से गुजारा जाता है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फीचर वेक्टर्स देता है। डायमेंशनलिटी लगभग एक जैसा होता है डायमेंशनल। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हम दोबारा जब अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम लगाते हैं तो एक्यूरेसी फिर इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे करके चलता रहता है। फिर उस इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी को हम मानते हैं कि भाई यही हमारा ट्रेन डेटा है, लेवल डेटा है सॉरी, और उसको यूज करके हम नेटवर्क को दोबारा ट्रेन करते हैं। ऐसे करते रहते हैं जब तक कि हमें एक खास मीन्स कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नहीं मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रेंड मॉडल मिल जाता है। उस ट्रेंड मॉडल की मदद से हम क्लासिफिकेशन का या और भी कोई डीप लर्निंग से रिलेटेड टास्क को अचीव कर पाते हैं। तो ये जो है जनरल फंडा है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीप क्लस्टरिंग के हेल्प से आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास लेवल ट्रेनिंग डेटा नहीं है तो हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पेपर जो ECCB 2018 में पब्लिश हुआ था वो यूज करेंगे। हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो एक्चुअल में हमने बहुत सारे पेपर्स को का स्टडी किया जो इस एरिया से रिलेटेड है। फिर मुझे लगा कि ये जो है वो सबसे बेसिक पेपर है, अगर आप इसको समझ लेते हैं और आपके पास सफिशियंट मैथमेटिकल बैकग्राउंड है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का तो बहुत इजीली आप अदर इंक्रीमेंटल वर्क को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेम फंडा यहाँ पर भी है जो सेल्फ सुपरवाइज में यूज होता है। यहाँ पर ऑथर्स क्या किए, वो इमेजनेट का इनपुट डेटा लिए। अब इमेजनेट में क्या है कि मिलियंस ऑफ इमेजेस है, मोर देन 20,000 ह्यूमन एनोटेटेड लेबल्स है। तो इन्होंने क्या किया, वो लेवल को सोचा कि नहीं हमें इस लेवल को कंसिडर नहीं करना है, विदाउट लेवल वो डेटा को एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से पास करा दिए। ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है, बस 3-4 स्टेज का नेटवर्क है। मतलब हर स्टेज में क्या होता है कि एक कॉन्वोल्यूशन और पुलिंग लेयर हो या एक कॉन्वोल्यूशन दो पुलिंग, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टैक्स को कॉन्वोल्यूशनल स्टैक्स को बना के वो जोड़ दिए, तो इस तरह के कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जनरेट हो गया। अब है क्या कि जब डेटा इनपुट से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको कॉन्वोलेट कर रहे हैं यहां से पास होता है तो हमें फिक्स्ड डायमेंशनलिटी का आउटपुट मिलता है। मतलब हमारे पास n मिलियन इमेजेस था, उसके लिए हर इमेजेस के लिए हमें फिक्स्ड डायमेंशनलिटी का आउटपुट वेक्टर्स इन न्यूमेरिक फॉर्म मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक बेनिफिट हो गया कि हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा है, वेक्टर के फॉर्म में डेटा है और उसका डायमेंशनलिटी भी एक जैसा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पेपर के मीन्स का क्लस्टरिंग लगाते हैं। मान लीजिए कि हमारा k इक्वल टू 3 है, तो k इक्वल टू 3 लेकर हम k मीन्स एल्गोरिथम लगा दिए। अब वो k मीन्स एल्गोरिथम क्या किया, वो सारे इमेजेस को जो अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में था, मतलब जिसका फीचर्स जो है न्यूमेरिकल वेक्टर के फॉर्मेट में था, उसको 3 क्लस्टर में बांट दिया। उसका C1, C2 और C3 यहां देख रहे हैं। अब ये तीनों क्लस्टर्स को हमने क्या किया, मान लिया कि अब यही मेरा लेबल डेटा है,
और ये C1 क्लस्टर क्लास C1 को रिप्रेजेंट करता है, C2 क्लस्टर क्लास C2 को रिप्रेजेंट करता है, और C3 क्लास C3 को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट टास्क क्या हुआ कि हम यहाँ पर बैक प्रोपेगेशन लगा दिए कि एक जैसे होता है ना कि एक ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड क्लासीफायर, उस तरह का क्लासीफायर को समझ के जैसा मान के हमने बैक प्रोपेगेशन लगा दिया कि हमारा भाई ये लेवल डेटा है, अब यही लेवल डेटा है। तो बैक प्रोपेगेशन लगाने से क्या हुआ कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का जो थीटा पैरामीटर था और जो न्यूरॉन्स का वेट था वो अपग्रेड हो गया। और अपग्रेड होने से क्या हुआ कि दोबारा जब हम इनपुट डेटा इनपुट इमेजेस यहाँ पर डाल रहे हैं तो जो फीचर वेक्टर जनरेट हुआ फिक्स्ड डायमेंशनलिटी का फीचर वेक्टर वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। तो इस बार जब हम K-means क्लस्टरिंग लगाए तो हमारा क्लस्टर का एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा हो गया, मतलब तो हमारा जो लेवल डेटा जिसको हम कंसिडर कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन के लिए यही मेरा लेवल डेटा है तो और अच्छा लेवल डेटा यहाँ चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जब हम नेक्स्ट टाइम बैक प्रोपेगेशन लगाए तो ये फ्लावर इम्प्रूव हो गया। तो ऐसा करते करते जब तक कि हमारे पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अचीव नहीं होता है ये प्रोसेस को चलाते रहते हैं। तो आफ्टर सम टाइम जब ये पूरा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड मॉडल एम मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो इस तरह का प्रोसेस में तो काफी सारा जैसे होता है ना कि आप गेम खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और हर बार आपका गोल पोस्ट इधर उधर चेंज कर दे रहा है और उसी में आपको गोल भी करना है। तो जाहिर है कि इस तरह के केसेस में आपको डेटा थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो सपोज आपके पास कोई टेस्ट सेट T1 है। अब इस टेस्ट सेट T1 को आप इस मॉडल में पास करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी है मान लीजिए कि 80-90% तक पहुंच गया। अगर ये सेम टेस्ट डेटा को अगर सिर्फ K-means क्लस्टरिंग से क्लस्टर कर देते तो हो सकता था कि एक्यूरेसी 60-70% ही नहीं रहता। तो मतलब आपको काफी मतलब बेनिफिट मिल गया इस तरह के सिचुएशन से, आप डेटा लेवल करने से बच गए। और ये जो एक्यूरेसी है वो नियर टू सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम के बराबर है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भाई सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम मतलब 100 है तो ये 50-60 है, ऐसा नहीं है, गैप काफी कम है। तो इससे क्या हुआ कि आप एक्स्ट्रा डेटा को बार बार लेवल करने से बच गए। तो यहां पर जो मेजर बेनिफिट हुआ कि हम बिना डेटा को लेवल किए हुए क्लस्टरिंग बेस्ड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम का यूज करके इनपुट डेटा से एक क्लासिफायर को लर्न कर लिए, एक रॉ इनपुट डेटा से क्लासिफायर को लर्न कर लिए। तो ये हमें एक बेनिफिट मिला। जनरली क्या होता है आजकल के समय में बहुत सारे डेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आते हैं तो ये मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही कॉस्टली होगा कि हम हर डेटा को लेवल करते रहे और उसके बाद उसके ऊपर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते रहे। तो आजकल के समय में जहां चीजें काफी डायनामिक तरीके से चेंज हो रही है इस तरह के एल्गोरिदम काफी यूजफुल है।